बॉलीवुड के अच्छे दिन क्यों अब बीते दिनों की बात। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अब नॉस्टैल्जिया बनकर रह गए हैं। 3-4 दशक पुरानी बात करें तो छोटे शहरों में भी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की भरमार होती थी। कभी एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, ही मैन धर्मेंद्र, रोमांस किंग राजेश खन्ना की फिल्में देखने के लिए दर्शकों से हर वक्त गुलजार रहने वाले ये सिंगल स्क्रीन थिएटर या तो अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शक्ल ले चुके हैं या भूत है इमारतों में तब्दील होकर अपने हालात पर रो रहे हैं। उदारीकरण के साथ लोगों की जेब मोटी हुई तो देश में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स का चलन शुरू हुआ। टिकट बेतहाशा महंगे हुए। पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, बर्गर, समोसा जैसा खाने पीने का सामान यहाँ बाजार भाव से 10 गुना महंगा मिलने लगा। आज 4 सदस्यों वाले परिवार का मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देखना 2000 रुपए से कम नहीं बैठता। मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल मालिकों ने दर्शकों पर अपने साथ घर से खाना या पीने का पानी लाने पर भी रोक लगा दी। ये तो भला हो कुछ साल पहले कोर्ट के आदेश का, जिसमें पीने का स्वच्छ पानी दर्शकों को मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल्स में खाने पीने का महंगा सामान मिलने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का 3 जनवरी 2023 का फैसला गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने की चीजें लाने पर रोक लगाना सही है। ये सिनेमा हॉल मालिकों के व्यापार के अधिकार के दायरे में आता है और इसे उनसे छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी हॉल परिसर में मिलने वाली चीजें खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, जिसे वहाँ ना खाना हो ना खाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स मालिकों ने 2018 में आए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने तब यह आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में आने वाले लोग बाहर से खाने की चीजें ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया। जिस तरह बॉलीवुड फिल्में लगातार पिट रही हैं, ओटीटी की घर घर में पैठ बढ़ी है, हिंदी सिनेमा के हालात बद से बदतर होते नजर आते हैं। जरूरत सबके मिल बैठकर कुछ नए रास्ते निकालने की है। पिछले साल 16 सितंबर को मल्टीप्लेक्स मालिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर 75 रुपए के टिकट पर फिल्म देखने का मौका दिया तो दर्शक सिनेमा हॉल्स पर टूट पड़े। देश नामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।